चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम की तो जो कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन का काम होता है वो करते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो लाइंड रहते हैं ग्लैंडुलर और सीलेटेड सेल से तो जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कॉकरोच के अंदर जो है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो प्रेजेंट होते, है, होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं मिड गट और हाइन गट के बीच में जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं और मालपीज़न ट्यूब्यूल्स का जो काम होता है वो ये करते हैं कि एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसके बाद कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड्स में सो बेसिकली एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड और फीसेस जो है यहाँ से बाहर निकल जाती हैं कॉकरोचेस के अंदर नेफ्रोसाइड्स और यूरिकोस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करते हैं इसीलिए हम कॉकरोच को यूरिको टैलिक भी कहते हैं